आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 11th एडमिशंस के प्रोसेस के बारे में। देखिए 11th एडमिशन बेसिकली ये चालू हो चुका था आपका, एंड इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना था, जैसे कि पार्ट वन एंड पार्ट टू आपने फिल कर दिया, ठीक है। और आज की डेट जो है वो 21st है। मैं आपको इसलिए डेट बता रहा हूँ ताकि आज आपको समझ में आए। बहुत सारे बच्चे भी बेसिकली वेट भी कर रहे थे, और पार्ट वन पार्ट टू का जो फॉर्म था वो आज कंप्लीट हो चुका है बहुत सारे बच्चे लोग का। एंड उसके बेसिस पे कॉलेज ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि किन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है, किन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो आज पता चल जाएगा। और मोस्ट ऑफ दी पता चल गया क्योंकि कॉलेज ने 10 बजे से पहले ही इसको अलॉट कर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैं ऑफिशियली पेज पे हूँ, और नंबर ऑफ द क्वेश्चन ये आ रहे थे कि क्या सर, हाँ, जिन जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट वन या पार्ट टू के फॉर्म नहीं भरे या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए, क्या उनके फिर से डेट ओपन होंगे, क्या क्या उनके फॉर्म फिर से ओपन होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि यस, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट वन या पार्ट टू के फॉर्म्स को फिल नहीं किया गया है, ठीक है, या नहीं किया है, तो उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफिशियल पेज पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे अब कैप राउंड टू के प्रोसेस के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये जो बटन है ये यहाँ पे अभी ओपन कर दिया गया है, पहले नहीं था, ठीक है, पहले सिर्फ लॉगिन आता था। अब यहाँ पे आपको ये करना है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट देख सकते हो आप, इसमें लिखा है कि राउंड वन एडमिशन कैन बी कंफर्म बाय द जून 24, 2023, ठीक है। पार्ट वन फॉर द नेक्स्ट राउंड इज स्टार्टेड फ्रॉम जून 21, 2023, यानी कि आपका पार्ट वन का फॉर्म आज से स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या करना है, पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आना है, ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले से आपको अपडेट कर दिया हुआ है। आप वो वीडियो को रेफर कीजिए और यहाँ पे फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म फिलिंग करते समय अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो मुझे। मैं डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। अब तक मैं हर एक बच्चों को उनके डाउट जो भी हैं, ठीक है, उनके जो कमेंट आते हैं सबका मैं रिप्लाई करता हूँ ताकि उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। चलिए बैक टू आते हैं अभी अपने आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में। बेसिकली ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया, लेकिन आज नंबर ऑफ द बच्चों लोग का डिस्प्ले हो चुका है कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन करना है आपको फर्स्ट वन, ठीक है, लॉगिन में आपका लॉगिन आईडी आएगा और पासवर्ड इंसर्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट वन यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया, तो लॉगिन करते समय कुछ इस तरीके से आपका आ गया पेज। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड राइट लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे देखो ये जो अलॉटमेंट एंड एडमिशन है इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो लिखा है चेक अलॉटमेंट स्टेटस, ठीक है, एक लिखा है अलॉटमेंट एडमिशन समरीज, और नेक्स्ट में लिखा है अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड चेक रीजन नॉट फॉर अलॉटेड, ठीक है, ये सब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, चेक अलॉटमेंट स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैप राउंड वन का है, मतलब रेगुलर राउंड जो वन होते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इस बच्चे का सब कुछ डिटेल्स आ चुका हुआ है, और इसका मैं मेरिट नंबर की बात करूँ तो मेरिट नंबर देखिए क्या है इसका, 137721 है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो चुका है भाई, अलॉटमेंट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है राउंड वन के लिए। इसमें लिखा हुआ है अलॉटेड कॉलेज, ठीक है, कॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है विद्या निकेतन जूनियर कॉलेज है जो कि घाटकोपर इसमें सिचुएटेड है। और यहाँ पे इसका स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, और स्टेटस है सेल्फ फाइनेंस है ये, और कॉमर्स यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है। अलॉटेड कैटेगरी जनरल है, इसमें प्योर प्योर जनरल है इसका, एंड आज के डेट पे ही इसको अलॉट किया गया है, ठीक है, और इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है एडमिशन शेड्यूल, ठीक है, आज से स्टार्ट होगा, यानी कि आज इनका अलॉटमेंट हो गया, 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है और ये 24 तारीख तक चलेगा शाम के 6 बजे तक। मतलब इस बच्चे को अब क्या करना है कि इस कॉलेज में अगर इसको एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जो कि 21 से लेकर 24 तक है। और जो बच्चे पार्ट वन पार्ट टू का फॉर्म नहीं फिल किए उनके लिए भी 21 से लेकर 24 तक का डेट दिया गया पार्ट वन के फॉर्म्स को फिल करने का, राइट। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट देख लेते, क्लिक द प्रोसीड फॉर द एडमिशन ओनली इफ यू श्योर टू टेक द एडमिशन इन द कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे कि विद्या निकेतन यहाँ पे अलॉट हुआ है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको प्रोसीड फॉर एडमिशन करना है।
अगर नहीं चाहिए तो चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली अब क्या करना होगा आपको, या तो दूसरा मेथड है यहाँ पे, आपको ये नहीं चाहिए, ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको इस कॉलेज में फ़ोन करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो वहाँ से आपका नाम निकाल दे। जब तक आप यहाँ से नहीं रिजेक्ट करोगे तब तक आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज मीन्स आपको फर्स्ट वन क्या करना है कि इस कॉलेज के अंदर चेक करना है, ठीक है, फ़ोन करना है, ठीक है, और यहाँ से भी आपको करना होगा कि आपको नहीं चाहिए ये कॉलेज में नाम, मतलब अगर चाहिए तो आप प्रोसीड करो, नहीं चाहिए तो आपको उसको रिजेक्ट करना है। अभी चाहिए तो प्रोसीड कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन नहीं चाहिए तो कैसे प्रोसीड करना है ये भी बताऊंगा। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे अलॉटमेंट एडमिशन समरी देख ले। बच्चे लोग मुझे ऐसे कमेंट करके पूछे थे कि सर जैसे कि बहुत सारे कॉलेज जैसे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस कॉलेज में मेरा नाम आया है नहीं आया, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलॉटमेंट एडमिशन समरी देख सकते हो। तो जो जीरो राउंड था, जीरो राउंड किसके लिए होता है, जो इन हाउस है या माइनॉरिटी कोटा होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे राउंड वन के लिए इसका जो नाम था बच्चे का वो आ गया है विद्या निकेतन कॉलेज में, देखिए कॉमर्स है, इंग्लिश है और नॉट एडमिटेड, ठीक है, अभी तक इसने एडमिशन नहीं लिया हुआ इसलिए नॉट एडमिटेड। ये बच्चा जैसे ही फॉर्म या अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, इस कॉलेज के अंदर फीस सबमिट कर देगा, ठीक है, तो उसको एडमिटेड यहाँ पे लिख के आएगा। नेक्स्ट आते हैं अभी अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इन्होंने अपलोड किया हुआ है, 10th 10th स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट, चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड ऐसा आ गया, ठीक है, मतलब कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज में उसका नाम अलॉटमेंट नहीं आया है। आइदर आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड, अगर ऐसा क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस बच्चे ने टोटल 7 कॉलेज फिल किए थे, राइट, यहाँ पे देख सकते हो, तो 7 कॉलेजेस है, तो इस कॉलेज में इसका नाम नहीं आया, सिर्फ एक ही कॉलेज में नाम आया अलॉटेड, देख सकते हो, विद्या निकेतन, जिसके बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो राम निरंजन झुंझुनू वाला कॉलेज, यानी कि जो आरजे कॉलेज है, ठीक है, काठकोबा वेस्ट में बेसिकली ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे मुझे कमेंट आता है कि सर ये आरजे कॉलेज में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मेरिट नंबर कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इसका जो प्योर जनरल है, ये जो कट ऑफ लगा हुआ है ये 426 पे लगा हुआ है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 426, यानी कि जिस बच्चे का नाम या मार्क्स 426 में आता है वो बच्चे का यहाँ तक लिस्ट लगेगा। लेकिन ये जो बच्चा था इसका मार्क्स कम है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरिट मार्क्स भी लिखा होगा ऊपर, तो मार्क्स कम है इसलिए झुंझुनवाला कॉलेज में इसका नाम नहीं आया। अगर मैं रामजी आश्रय विद्यालय, ठीक है, हाई स्कूल की बात करूँ या HV के तन्ना जूनियर कॉलेज की बात करूँ, तो इसका जो मेरिट नंबर है वो 351 है, राइट, इस तरीके से। और अगर DJ दोषी गुरुकुल जो कॉलेज है, अगर इसकी बात करूँ तो ये 352 पे इसका क्लोज हुआ है आज का कट ऑफ, ठीक है, मतलब क्या पॉइंट वन का, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे तो कितना डिफरेंसेस है यहाँ पे मार्क्स के अंदर, तो यहाँ पे इसका जो मेरिट नंबर है वो देख लीजिए और यहाँ का मेरिट नंबर देख लीजिए, तो कितना डिफरेंसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे NG आचार्य में भी नाम डाला था, तो इसका जो कट ऑफ लगाया वो 350 पे लगाया हुआ है, तो ये भी नहीं चाहिए उसको। श्री नारायण गुरु कॉलेज देख सकते हो 339 पे लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो अभी सेकेंड कट ऑफ आएगा तो शायद इसका नाम आ जाए, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस कहाँ पे देखो आने का, 351, 352, ठीक है, 350 और 339, ये चांसेस ज्यादा है यहाँ पे ये चार कॉलेज में, अगेन कैप राउंड टू, यानी कि जो राउंड टू होगा उसमें आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इसके। देन इसके बाद आएंगे, अगर मैं और दूसरे कॉलेज की बात करूँ, जैसे देख सकते हो यहाँ पे विद्या भवन कॉलेज है, बेसिकली पुणे विद्या भवन कॉलेज है, इसमें 380 इसका लास्ट कट ऑफ लगाया हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस कम है 380 का, लेकिन 350 से लेके सॉरी 339, ठीक है, 350, 352 एंड 351, ये जो चार कॉलेजेस है इसमें आने के चांसेस ज्यादा है इसके अंदर, राइट। तो अब बच्चे को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या जो अलॉट हुआ है उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए या किसी और दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो करना क्या होगा वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, चेक अलॉटमेंट स्टेटस, ठीक है, आया यहाँ पे प्रोसीड फॉर एडमिशन दिया हुआ है, इस पर ऐसा क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन डिटेल हैज बी सेंड टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर द फर्दर एडमिशन, स्टूडेंट शुड नॉट दैट जस्ट क्लिकिंग ऑन द प्रोसीडर फॉर द एडमिशन, डू नॉट कंफर्म देयर एडमिशन, ठीक है, दे शुड विजिट द कॉलेज वेबसाइट और मेक अ टेलीफोन कॉल टू कॉलेज फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, रिलीवेंट फोन नंबर्स आर गिवन इन द कॉलेज प्रोफाइल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, काइंडली कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस बिफोर 24th
2023 6 PM, अदरवाइज योर अलॉटमेंट विल बी कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि इस बच्चे को कॉलेज के कॉलेज में या तो विजिट करना है, या तो यहाँ पे दिया है विजिट द कॉलेज वेबसाइट और मेक टेलीफोन कॉल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, या तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके या तो टेलीफोन कॉल, सीधा कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे ये बोला कि 24 जून तक आपको इसमें एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये बच्चे से हम कंफर्म करेंगे कि इसको एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, देन फिर इसके आगे का हम प्रोसीजर देखेंगे। देख सकते हो यहाँ पे इसके आगे का प्रोसीजर कैसा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट डिटेल्स आ गया सेम। ठीक है, सब कुछ वही आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था प्रोसीड के लिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, प्रिंट लेना है इसका। ठीक है, पहले इसका प्रिंट आउट लेना है कि आपका नाम आया है। ठीक है, ये प्रिंट लेना है, देन इसके बाद आपको यहाँ पे ठीक है अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसको अपलोड करना है, या तो फिर आपको नहीं चाहिए एडमिशन। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था, तो इधर पे मैं क्या करूँगा एंड ऑफ प्रोसीड फॉर द एडमिशन कर दूंगा। ठीक है, या तो आप लोग अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे ऐसा क्लिक, तो आपका ये देखो डॉक्यूमेंट अपलोड है। ठीक है, यहाँ पे बट अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, अपने को नहीं चाहिए तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी आगे नहीं लेके जाऊंगा इस बच्चे को। तो जिनको चाहिए तो वो पहले क्या करेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले से अपलोड है इस बच्चे का, व्यू करके देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड है। ठीक है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड है, क्लियर यहाँ पे। चलिए, तो अब क्या कहते हैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। देखिए, और कॉलेज में जाके फिर आपको विजिट करना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, एंडो कंसेंट फॉर द एडमिशन इज डन सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने एंडो कर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सेम पेज पे आ गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ का जो भी प्रोसीजर है उसको देखते हैं, और नंबर ऑफ द कॉलेज की जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ था कॉलेज का ये मैंने बता दिया, यहाँ पे आपके एडमिशन प्रोसेस बता दिए। अब जब आप कॉलेज में जाओगे अपने एडमिशन को कंफर्म करने के लिए, तो आपको क्या लेके जाना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना है, मार्कशीट लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, फोटो लेके जाने हैं आपके, और साथ ही साथ कुछ फीस लेके जाना है ताकि आपके जो कॉलेज है वो आपके एडमिशन को कंफर्म कर दे, राइट। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो इस ऑफिशियल पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा एडमिटेड। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका इसमें लिस्ट में नाम आया है, वो लिस्ट में आपका जो नाम आया उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना होगा। ठीक है, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो जाके आपके एडमिशंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए कॉलेज में एडमिशन तो आप वेट कीजिए 24th तक का। ठीक है, 24th के बाद आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पार्ट टू के अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो आप पार्ट टू के अंदर चेंजेस कर सकते हो, मतलब बहुत सारे कॉलेज को रिमूव करके बहुत सारे कॉलेज को ऐड भी कर सकते हो, या तो बहुत सारे कॉलेज को रिमूव करके एक दो कॉलेज को ही रखो जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप 10 कॉलेज रखो ताकि आपके जो भी एडमिशन होते हैं, देखिए आप वेट कीजिए, अगर आपको लगता है कि कैप राउंड 2 यानी कि जो रेगुलर राउंड 2 होगा अगर उसमें नाम नहीं आता है तो रेगुलर राउंड 3 में आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, फीस क्या लेके जाना है, वो आप अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके जाइए, जो भी आपको कॉलेज में मांगे जाएंगे उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे 11th के एडमिशन को कंफर्म कर सकते हो, राइट। और जिन बच्चों को वेट करना है वो वेट कीजिए, एंड जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म नहीं फिल किए उनके भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतने ही अपडेट करना था, आपके एडमिशन प्रोसेस से लेके न्यू रजिस्ट्रेशन तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए अपने एडमिशन को। अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।